हर हिंदुओं के रोम में श्री राम रमा है, महादेव विष्णु ब्रह्मा ने ये नाम रमा है, अवधि अवध समय के सुबह शाम रमा है, राम धुन अयोध्या धाम धाम रमा है। जय श्री राम दोस्तों, 22 जनवरी 2024 है आज, नोट कीजिए। और आज 22 जनवरी 2024 को आप सभी प्यारे से दोस्तों को, पूरे भारतवासियों को, मेरी ओर से, मैं अन्नू चौधरी की ओर से दीपावली की हार्दिक बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं। देवों की भूमि हिंदी है जागीर राम की, हर हिंदू के सीने में है तस्वीर राम की। अजीब सा नहीं लग रहा कुछ, 22 जनवरी है और दीपावली की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सुन राम की कहानी, विश्वास की कहानी, प्राचीन अयोध्या के इतिहास की कहानी। मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन काल में मेरे सामने ही ये अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और आज उसी श्री राम मंदिर में श्री राम प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। पावन अयोध्या है श्री वैकुंठ नाथ की, सारी कला है इसमें विश्वकर्मा के हाथ की, अयोध्या की पहले स्वर्ग में वैकुंठ नाथ की रचना, हरि विष्णु जी ने ब्रह्मा के साथ की। मैं निकल पड़ा हूँ इस वक्त एक अपने बहुत ही प्यारे से मित्र सत्येंद्र जैन के एक प्रतिष्ठान जैन रेस्टोरेंट की ओर। बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे खूबसूरत यादगार पल हर कोई अपने दोस्तों के साथ मनाने के लिए सौभाग्यशाली हो। जो आया वो गेस्ट, जो नहीं आया वो नेक्स्ट। किसी शायर की एक लाइन याद आ गई, अकेला ही चला था जान के मंजिले में, मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ता गया। तो चलिए, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ज्यादा वीडियो लंबी ना बनाते हुए बाकी की वीडियो मैं बनाऊंगा अपने प्रतिष्ठान पे पहुंचने के बाद। और तब तक जय श्री राम। आज की जो पार्टी मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, इसी जैन स्वीट्स रेस्टोरेंट, फैमिली रेस्टोरेंट गोरीपुर में ही है। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ मेरे दोस्त सभी, ये दूर दूर से मेरे मित्र सभी आए हैं। और ये जो मेरे मित्र है, जो यहाँ के ओनर है हमारे भी, ये जैन साहब। जैन साहब, कब से लॉन्च किया आपने? 1 जनवरी 2024 से। मित्रों, जैसे ही आप यहाँ गोरीपुर में एंट्री करेंगे और टी पॉइंट से लेफ्ट हैंड पे आप एंट्री करेंगे सोनीपत के लिए, तो आपको ये 10 कदम पर चल के आपको जैन स्वीट रेस्टोरेंट है। एक से एक उत्तम प्रकार के चाय केदार, स्वीट्स, स्नैक्स, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हर तरह की फैसिलिटीज, रूम अवेलेबल, एसी हॉल, सभी कुछ जो एक बढ़िया रेस्टोरेंट पर होना चाहिए आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ पे आए, एक बार यहाँ का खाना जरूर चक्कर जाए। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आप एक बार यहाँ का खाना खाएंगे तो आप यहाँ के दीवाने हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको रास्ते में भी बता रहा था कि आज एक बहुत ही शानदार हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। 22 जनवरी श्री राम प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हम दीपावली तो मना ही रहे हैं, साथ ही साथ आज हम दिन में एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम भी यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरे साथ में मेरे चुनिंदा जो नगीने मेरे जीवन के मित्र है, वे भी यहाँ पे साथ में। मैं सभी से परिचय करा देता हूँ। आश्रम ग्रुप के जुड़े हुए मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है आश्रम, मैं उसका बाबा हूँ। जो बाकी दूसरे बाबा लोग हैं उनसे भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। ये मिलिए मेरे मित्र है। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस खुशी के शुभ अवसर पर? आज तो सर सारा भारत राम में हो रहा है, आज तो कहने की कोई बात ही नहीं। आज तो अंधे घूमे सबको नजर आएगा कि है क्या। हेलो दोस्तों, नाम तेजेंद्र राणा है, गांव रहने वाला ढाका हूँ और रहता मेरठ में हूँ। और आज इस खुशी के पल पर, आज मौके पे जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कहने के लिए आज इससे लेकर कुछ भी नहीं है, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं विपिन भारद्वाज, मोदी नगर से, और आज के बस भावुक हूँ मैं आज के इस पल को देखते हुए, निःशब्द हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आज के। दोस्तों जय श्री राम।
अभी हम यहाँ पे एक केक केक कटेगा और मैं दोबारा से बताता हूँ, एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है आश्रम, और ये हमारे मित्र एक और भी है जो यहाँ के आज आयोजक है। जैन साहब परिचय बताओ, नाम बता दो। सत्येंद्र कुमार जैन। तो देखिए एक से एक चुनिंदा नगीने जो मेरे दोस्ती के हार में पिरोए हुए हैं, मैंने ये मेरी जान शान सब कुछ है, मान भी है मेरे ये, ठीक है। मैं सही बताऊं, बुरा मत मानना मेरी बात का, अयोध्या में श्री राम आ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो आज ये भी किसी राम से कम नहीं है। ये सभी वे लोग हैं, वे दिग्गज लोग हैं जो बड़ी बड़ी मान अपने आप में एक हस्ती है, अपने फील्ड के मारती है। खाना टेबल पर लग चुका है, ये देखिए पकवान वगैरह आ रहे हैं, अभी बहुत सारा कुछ और भी प्रोग्राम होना बाकी है। उनके लिए एक संदेश जरूर देना चाहूँगा जो इस ग्रुप के सदस्य है और जो यहाँ पे आज नहीं आए, बल्कि आए ही नहीं, जिन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, थोड़ा या कम कमा तो सभी रहे, अपना घर सभी चला रहे हैं, लेकिन जिसके पास एक बेहतरीन ऐसा फ्रेंड सर्किल नहीं है, वो अपने आप में कितनी भी बड़ी तोप हो वो कुछ भी नहीं है। बुरा मत मानना मेरी बात का। जिन रिश्तों को भगवान परमपिता परमेश्वर खून के रिश्तों में बनाना भूल जाता है, उनको फिर वो दोस्त बना देता है। सही है ना भाई? ग्रेट, मैं एग्री हूँ भाई इस बात पे 100%। तो इस दौर में, इस 2024 के आज के दौर में दोस्ती से बढ़ के कोई भी रिश्ता नहीं है। आगे भी याद रखो, कहीं भी मौका मिले दोस्तों के साथ बैठने का, उसको बिल्कुल भी मिस मत करो। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं उस टाइम पे दोस्त काम आते हैं। प्रभु के काम आए आएगा।